फॉर एग्जाम्पल आप लाइव क्लास में आए, ये सामने आपकी जी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर आपकी नजरें हैं और नजरों के साथ साथ आपके पास में दो नोटबुक खुली हुई है। ये दो नोटबुक खुली हुई है, ये है आपकी रफ बुक, रफ नोटबुक, ना ही ये आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है और ना ही ये आपकी नोट्स वाली है, और ये है आपकी नोट्स वाली बुक। यू हैव टू फॉलो कि कहां पर आपको कैसी बातें करनी है, समझ में आया, कहां कहां पर आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सामने लेक्चर चल रहा है, मैं कोई थ्योरेटिकल चीज या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर आप वो 10 मिनट लगाने के बाद में स्क्रीन से साइड में हो जाएंगे, फिर आप मुझे 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे कि बेटा अब लिख ले। ऐसा नहीं होगा जी, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं साथ में इस स्लाइड पे आया, यहां पे 10 बातें या 6 बातें लिखी हुई थी, मैं साथ में कुछ समझा रहा था, आप इनको देख देख के मेरी बातें समझते हुए भी नोट कर सकते हो। बट जहां पर मैंने कुछ चीज एडिशनली समझाने की कोशिश की, बिकॉज ये तो जनरल बातें हैं, मैथ्स में टॉपिक जो है थोड़ी थोड़ी कई बार क्रिटिकल भी आते हैं, जहां आपको लगा कि समझना जरूरी है, आप अपना पेन रोक लीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज नोट्स की तो पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद में मिल ही जाएगी, समझाने वाले के लिए आपको फिर वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपके सामने कुछ आया, जितना आप उसमें से लिख सकते हो फ्री हैंड रहते हुए, उस लिखने में भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी समझना होना चाहिए। समझने के बाद में आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो या फिर आप भी हमारे साथ साथ में लिख रहे हो, तो आप भी मेरे साथ साथ में लिख सकते हो कि हाँ आपने ये बोला ये बोला, बट हाँ आप बोल रहे हो कि समझो भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, तो पेन छोड़ देना, समझने पर ध्यान देना है एकदम आंखें और दिमाग खोल के। तो जैसे भी मैं स्लाइड पे जाऊं, आपको कुछ दिख रहा है, आप अपनी नोट्स में लिखना स्टार्ट। मैंने बोला समझना है, रुक जाओ, ठीक है सर रुक गए, बट आपने समझाने के बाद में तुरंत अगली स्लाइड पे चले गए, हमारे तो 5 पॉइंट रह गए, अभी भी 3 ही लिख पाए थे, 2 पॉइंट रह गए, कोई बात नहीं, उतनी जगह छोड़ दे, वो आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में। फिर डायरेक्टली मैं आ गया सवाल पर, ठीक है, इसके बाद में मैं आया क्वेश्चन, मैथमेटिक्स है ना तो क्वेश्चन आ जाएगा। सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऑप्शन, अब कुछ लोग या कुछ बच्चे जाने अनजाने में पहले तो सवाल देखते ही इस सवाल की स्टेटमेंट और ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैथ्स का सवाल आपको लिखने में करीबन करीबन 5 या 7 मिनट चाहिएगी, ऑप्शन समेत, ऑप्शन समेत लिखने में या ऑप्शन के साथ लिखने में आपको 5 मिनट लगेगी वो पूरा सवाल लिखने में, और 5 मिनट में उस स्क्रीन पे रुकूंगा भी नहीं, मैं सवाल एक्सप्लेन करूंगा, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको स्क्रीन पे सवाल देखते ही क्या करना है, इस नोटबुक पे भाग जाना है, सवाल देखा मेरे साथ साथ पढ़ा, या फिर सवाल दिखने के बाद में टाइम दिया जाता है आपको पढ़ने का, अटेम्प्ट करने का, सवाल पढ़िए स्क्रीन से और उसका सॉल्यूशन यहां नोट कीजिए, नोट नहीं कीजिए, उस सवाल को यहां सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में, उस सवाल को सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में। तो मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, अगर आपकी मैथ्स की क्लास में सवाल आया है तो ये वाली नोटबुक का तो काम ही जीरो हो गया, इसको साइड में कर दो, इसको आगे ले आओ, पेन अब जो है आपका रफ कॉपी में चलेगा, आधा तिरछा, जैसे भी आप रफ कॉपी में काम करते हैं वैसे। मेरे बराबर सॉल्व कर पाए बहुत अच्छी बात, सॉल्यूशन सही आ गया बहुत अच्छी बात, नहीं सही आया फिर जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, समझ में आया। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा, नोट्स बनाने का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है वो सर सॉल्यूशन फिर आपको लास्ट में, जैसे मान लो आपने ये इस पे सॉल्व किया, आंसर आपका सही आ गया बहुत अच्छी बात, आंसर सही नहीं आया समझो कि कहां पे गलती हुई, उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी स्क्रीन पर है, कुछ बच्चे रिपीट बोल रहे हैं, सर अभी भी स्क्रीन पे रुके हुए हैं, बट मेरा तो ये सवाल सॉल्व हो गया, नाउ स्टार्ट राइटिंग, इस नोट्स बनाने में लिखना स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी पहले सॉल्यूशन लिख लो, आपको दिख जाएगा कि सवाल कितना बड़ा है, उतनी लाइन छोड़ दो, 2 या 3 लाइन छोड़ दो, असल 2-3 लाइन से बड़ा सवाल हुआ कोई बात नहीं, थोड़ा चींटी टाइप लिख लेना, पतला पतला लिख लेना, आपको सॉल्यूशन नोट करना है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, दिस इज द वे यू शुड मेक नोट्स। सर इसकी सवाल की स्टेटमेंट फिर, अरे भाई पीडीएफ की नोट्स मिलने तो वाली है, ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन सिर्फ आपको मदद करता है इनिशियली सवाल के बारे में सोचने में, आपको अपने क्लास के चारों ऑप्शंस ABCD वो सारे के सारे इसमें नहीं लिखने, आपको सिर्फ सवाल की स्टेटमेंट लिखनी है, किस साल में पूछा गया था, आपने इस सवाल को सर आपने इस सवाल को इंपॉर्टेंट बोला कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक थोड़ा रिपीटिंग है, आपने उस पे स्टार लगवाए, तो ये स्टार हम उस सवाल पे लगा लेंगे, आपको ऑप्शंस नहीं लिखने, समझ में आता है।